बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिल्ली स्टाइल रेसिपी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ दूध की जो क्रीम होती है उससे देसी घी बनाने की रेसिपी। ये देखिए जी, हमने ये दूध पे अपने जो घर का दूध होता है उस पर से एक क्रीम उतार के रखी हुई थी, तो मैं इसमें से देसी घी निकालने वाली थी, सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा ऐसे करके घोट के एक बराबर हो जाए बस। ये देखिए, क्योंकि ये फ्रिज की रखी हुई है और हमने इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसको आप ऐसे करके मुझे इसको चूल्हे पे रख दो। मैंने गैस पे इसको रख दिया है, गैस फ्लेम ऑन कर दी है मैंने, और इसको अभी मैंने तेज आंच पे रखा हुआ है। जब थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तो हम इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम पे ले आएंगे, बस ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता। आप थोड़ा थोड़ा से इसको एक एक मिनट पे चलाते रहें। पूरा एक मिनट हो गया है इसे मुझे मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए, और ये देखिए अब ये पूरी तरीके से घुल के ऐसा हो गया है। और जैसे जैसे इसमें से देसी घी अलग होता जाएगा वैसे मैं आपको दिखाती जाऊंगी। अभी मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है, इसके ये देखिए ऊपर झाग झाग से ये आने लगे हैं। ये इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए देसी घी अलग हो चुका है। लेकिन अभी जो आप ये देख रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ये जो चीज है, ये इसमें से अभी और घी अलग होगा। जैसे जैसे घी अलग होता जाएगा ये जो है और ज्यादा गहरी रंगत आती जाएगी इसके अंदर। फिर मैं आपको अभी तकरीबन 5 मिनट बाद और दिखाऊंगी। देखिए, इसको पकते हैं पूरे 15 मिनट हो गए हैं, और जो मैंने अभी आपको सफेद सफेद दिखाया था वो ऐसी जो है जब गोलियां बन जाएंगी पूरी तरीके से। कुछ लोग इसको बिल्कुल जला के काला कर देते, लेकिन उससे जो है आप पूरी तरीके से काला ना करें, क्योंकि उससे जो है घी का जो टेस्ट है वो बिगड़ जाता है। बस अगर जैसे इतना हो जाए, ये देखिए ऐसी गोलियां सफेद सफेद सी हो जाएं, बल्कि और थोड़ी डार्क कलर की है ये, तो आप चूल्हा बंद कर दें। मैंने भी चूल्हा बंद कर दिया है और अभी तो ये गर्म है, जब ये ठंडी हो जाएगी फिर मैं आपको इसमें से घी छान के दिखाऊंगी। ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है और अब मैं इसे छानने जा रही हूँ। जो इसके अंदर गूदा सा जो निकला था वो मैंने छान के अलग कर लिया है, मैं दिखा देती हूँ आपको एक नजर। ये देखिए, इसको आपने किसी बड़े छन्ने से छान के अलग कर लेना है। और अगर आपको मेरा तरीका पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल दिल्ली स्टाइल रेसिपी।